नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचानो मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है भीम गुरु। सो गाइस, आज के वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी क्लास ऑब्जेक्ट्स क्या है इनके बारे में बात करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ पबजी या फिर कह सकते हैं फ्री फायर, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतनी जगह थी नहीं कि मैं पबजी इंस्टॉल कर सकूँ। तो मैंने फ्री फायर के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। सो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अब बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है विद द हेल्प ऑफ फ्री फायर। तो इस डब्बे में मैंने पबजी इंस्टॉल करने की कोशिश करी थी, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि इसके रैम कम है, इसके अंदर मेमोरी कम बची थी, तो वो सब नहीं हो पाए। तो मैंने फ्री फायर इंस्टॉल करवा रखा है। तो हम क्या करेंगे, फ्री फायर की मदद से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्लासेस क्या होता है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझाने के लिए, ये जो होती है ना कि रियल लाइफ वाले गेम्स होते हैं जैसे पबजी, GTA वगैरह, इनसे बढ़िया कोई एग्जाम्पल दुनिया में है। तो इसलिए मैंने फ्री फायर को चूज़ किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो अब मैं पबजी खोल लेता हूँ, सॉरी फ्री फायर खोल लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर कोडर हूँ तो क्या इन सारे के सारे प्लेयर्स के लिए मुझे अलग से कोडिंग करना पसंद होगा? नहीं, मैंने चाहता ना कि हर एक प्लेयर के लिए, मतलब कि देखो यहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं, आप अलग अलग कैरेक्टर लेके गेम खेल सकते हो, राइट? जैसे कि रैबिट होता है, जैसे कि एक इंसान है, एक लड़की है, राइट? बहुत सारे यहाँ पे कैरेक्टर्स बने हुए थे, सैकड़ों कैरेक्टर्स है, राइट? तो मैंने चाहता ना कि हर कैरेक्टर के लिए मुझे अलग से कोडिंग करनी पड़े, राइट? तो यहीं पे कंसेप्ट आता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ह्यूमन नाम का एक क्लास बना दूंगा। जब मैं ह्यूमन नाम का एक क्लास बना दूंगा, क्या होगा, उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, मतलब कि उसका नाम क्या है, उसकी उसका स्किन का कलर क्या है, राइट? वो कपड़े पहनता है या नहीं पहनता होगा, राइट? तो वो यस होगा, राइट? ऑब्वियसली वो यस होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि बेसिक उसके पास वो राइट पैन होगा, राइट? ये सब चीज़ें ना, ये हम करके रखते हैं हमारे क्लास में, राइट? उसके बाद फंक्शंस होंगे। फंक्शंस क्या होंगे, आप देखते हैं फंक्शंस क्या होंगे। इस ह्यूमन में फंक्शंस क्या होंगे कि वो वॉक कर सकता है, वो चल सकता है, वो दौड़ सकता है, वो रेंग सकता है, राइट? ये फंक्शंस हो गए। उसके बाद गन चलाना, वो पैन को हिट करना, राइट? ये सब चीज़ें जो है वो फंक्शंस है क्लास के ह्यूमन, राइट? मतलब कि एक ह्यूमन क्लास है जिसमें कुछ वेरिएबल्स है, राइट? उसका नाम, उसका बॉडी का टोन क्या है, उसके दो हाथ है, दो पैर है, राइट? ये सब चीज़ें वहाँ पे डिफाइन होंगी। उसके बाद कुछ फंक्शंस डिफाइन होंगे, जैसे कि चलना, दौड़ना, रेंगना, राइट? या फिर घुटनों पे चलना, ये सब चीज़ें क्लास में डिफाइन होती है। समझ में आ रहा है? ओके, ये सब इंफॉर्मेशन है, राइट? ये टेम्पलेट हम बना देंगे ह्यूमन का। उसके बाद क्या होगा, हम उसकी मदद से अलग अलग कैरेक्टर्स बनाएंगे, राइट? जैसे कि एक लड़का है जो रैबिट के कपड़े पहन रखा है, राइट? जैसे कि एक लड़की है जो बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहन के आई हुई है, राइट? तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली वन क्लास। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर एक कैरेक्टर के लिए मैं अलग अलग कोड बना दूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक ही एक क्लास बनाएंगे जो होगा ह्यूमन क्लास, जिसमें कि ये जो कैरेक्टर्स है उनका जो आउटलाइन है वह तैयार होगी, राइट? फंक्शंस तैयार होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और वो बन जाएंगे आपके कैरेक्टर्स। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें, अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं आपके क्लास के ऊपर से। क्लास के क्लासिक बेसिक टेम्पलेट है, मतलब कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो इस गेम में वो ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे कैरेक्टर्स। तो इससे बढ़िया एग्जांपल मुझे नहीं मिला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मैं एक्सप्लेन करूँ, राइट? समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्लास क्या है, क्लास क्या है, यहाँ पे इस गेम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्लास क्या है, क्लास एक ह्यूमन है, राइट? जिसकी आउटलाइन हम पहले बना के रखेंगे, जैसे कि उसमें वेरिएबल डालेंगे, उसका बॉडी टोन क्या है, उसका नाम क्या है, राइट? उसके बाद फंक्शंस होंगे, चलना, दौड़ना, रेंगना, राइट? उसके बाद गन फायर करना, राइट? गन तो अलग अलग होती है बट वो फायर तो करना होता है, तो वो भी एक फंक्शन है, राइट? तो ये सब फंक्शन पहले से डिफाइन होते हैं क्लास में। तो उसके बाद क्या होगा, उसके हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे जो होंगे आपके कैरेक्टर्स, राइट? मतलब कि एक का स्किन टोन जो है वो ब्लैक है, उसका नाम है सैमी, राइट?
एक का जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा काला है, या फिर काला नहीं कह सकते, क्या कहते हैं उसे मराठी में, क्या कहते हैं उसे, सावला कहते हैं, राइट। तो सावला है तो उसका राम है, राइट, उसका नाम राम है। तो ये सब कैरेक्टर्स आप बना सकते हो एक क्लास की मदद से, राइट। तो देखो दोनों कैरेक्टर्स जो है वो सेम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, या यानी दोनों कैरेक्टर्स भाग सकते हैं, दोनों कैरेक्टर्स मतलब कि रिंग कर चल सकते हैं, दोनों कैरेक्टर्स घुटने पर चल सकते हैं, दोनों कैरेक्टर्स गन फायर कर सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है? क्लास क्या है? क्लास एक टेम्पलेट है जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, उसके बाद हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यानी अलग अलग कैरेक्टर्स बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो पबजी से बेहतर मुझे कोई एग्जांपल नहीं मिला ये सब एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैंने पबजी का एग्जांपल लेने का सोचा। तो मेरे मोबाइल में पबजी इंस्टॉल नहीं हो पाए क्योंकि जगह कम थी, इसलिए मैंने फ्री फायर इंस्टॉल करवा लिया और उसके बाद आपके सामने मैं इसको पेश कर रहा हूँ। तो अगर मुझसे कोई भूल हो रही हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो बेसिक एक ध्यान में रखो कि क्लास इज अ टेम्पलेट, यानी एक वो बेसिक टेम्पलेट है जिसके ऊपर से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि जब तक हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाएंगे क्लास को कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी जितनी क्लास में डिफाइन होगी। समझ में आ रहा है? इतना सिंपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब समझ में आ रहा है कि फ्री फायर का एग्जांपल मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा आऊँगा ना कि क्लास इज अ टेम्पलेट, सिंपल टेम्पलेट, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, तो आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो इससे आसान भाषा में नहीं समझाया जा सकता मुझे लगता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। वैसे मैं बता दूँ कि मैं पबजी खेलता नहीं हूँ, ओके, मुझे कैसे खेल जाते वो भी पता नहीं है। सो अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय।